जान जोखिम में डाल देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने का जज्बा लिए सीआरपीएफ के जवान, जिन्होंने हर मौके पर खुद की परवाह किए बिना देश को बाहरी और आंतरिक खतरों से सुरक्षित रखा। कभी जान गवाई तो कभी शरीर का कोई अंग, लेकिन अब सीआरपीएफ ने जो कदम उठाने का फैसला लिया है उससे विकलांग हुए रिटायर जवानों को एक नई राह मिली है। उन्हें देश की सुरक्षा को और अधिक मजबूती देने में अपना और अधिक योगदान देने का फिर एक मौका सीआरपीएफ देने जा रही है। ये कदम उन विकलांग हुए कर्मियों को एक नई दिशा प्रदान करेगा जिन्होंने युद्ध की स्थिति या फिर देश के अंदर देश को सुरक्षा देते हुए अपने शरीर का कोई अंग खो दिया हो। सीआरपीएफ ने अपने कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक विकलांगता समर्थक एनजीओ के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत उन कर्मियों को साइबर संचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पैरास्पोर्ट सहित विभिन्न कौशल सिखाए जाएंगे जो अब शारीरिक रूप से विकलांग है। ये समझौता सीआरपीएफ के महानिदेशक एपी माहेश्वरी और आदित्य मेहता फाउंडेशन के बीच हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि सीआरपीएफ के कुल 189 जवानों ने पिछले 10 सालों में देश की सेवा में तैनाती या किसी ऑपरेशन के दौरान अपने अंगों को खोया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये सौदा इन कर्मियों के लिए नए अवसर सृजित करेगा। डीजी माहेश्वरी ने इस कार्यक्रम के दौरान जोर देकर कहा कि इन कर्मियों को विभिन्न कौशल जैसे साइबर स्पेस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पैरास्पोर्ट्स जैसे कई और कामों का ज्ञान प्राप्त करने में प्रशिक्षित किया जाएगा। सीआरपीएफ के महानिदेशक एपी माहेश्वरी ने बल के 5 ऐसे विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मियों को प्रशस्ति पत्र और पैरा खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रमाण पत्र से भी सम्मानित किया। सीआरपीएफ महानिदेशक ने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए 20 कर्मियों में से प्रत्येक के परिवार के एक सदस्य को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। अधिकारियों ने ये भी बताया कि नौकरी देने वालों में विप्रो, टोयोटा, ड्रीम स्टूडियो, वर्चुसा और गा कॉप जैसी कंपनियां शामिल हैं। गौरतलब है कि सीआरपीएफ 3,25,000 जवानों के साथ देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, जिनका मकसद देश की आंतरिक सुरक्षा और नक्सलियों के खिलाफ अभियानों को अंजाम देना है ताकि देश के अंदर पनप रहे खतरे से देश को सुरक्षित रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।